मिडल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर, मुख्तलिफ चीजें हैं। सूर्य कुमार यादव से नंबर वन रैंकिंग की लड़ाई के सवाल पर मोहम्मद रिजवान ने जवाब दिया है। सूर्य कुमार यादव फिलहाल T20 क्रिकेट की बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं, जबकि पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान पहले नंबर पर हैं। दो दिन के लिए सूर्य कुमार यादव T20 क्रिकेट में नंबर वन बल्लेबाज भी बन गए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी मैच में वो केवल 8 ही रन बना पाए और मोहम्मद रिजवान फिर नंबर वन बल्लेबाज बन गए। न्यूजीलैंड में खेली जा रही ट्राई सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 में शानदार पारी खेलने वाले मोहम्मद रिजवान से पत्रकार ने पूछा कि सूर्य कुमार यादव और आपके बीच रैंकिंग की लड़ाई पर आप क्या सोचते हैं? कैसे लगे आपको सूर्य कुमार? मोहम्मद रिजवान ने कहा कि सूर्य कुमार यादव अच्छे बल्लेबाज हैं और वो जिस तरह बल्लेबाजी करते हैं मुझे पसंद है। गुड प्लेयर है सूर्य कुमार, वो जिस तरह खेलता है मुझे बहुत पसंद है। मोहम्मद रिजवान ने दोनों की तुलना पर कहा कि एक ओपनर और एक मिडल ऑर्डर बल्लेबाज में अंतर होता है और मैं रैंकिंग के बारे में नहीं सोचता। मिडल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर मुख्तलिफ चीजें हैं, कभी नंबर वन के लिए सोचा नहीं है। वैसे मोहम्मद रिजवान का बयान सही भी है, क्योंकि ओपनर और मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज का फर्क बिल्कुल अलग होता है। लेकिन हकीकत ये भी है कि T20 क्रिकेट में मिडल ऑर्डर बल्लेबाज का रास्ता ओपनर से ज्यादा मुश्किल होता है। ओपनर को बिना किसी दबाव के पावर प्ले में खेलने का मौका मिलता है, जबकि सूर्य कुमार यादव जैसे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज को विकेट गिरने का दबाव झेलना पड़ता है और कई बार रन रेट का भी प्रेशर रहता है। ऐसे में सूर्य कुमार यादव पर मोहम्मद रिजवान से ज्यादा दबाव रहता है और जिस तरह उन्होंने दबाव में बेखौफ बल्लेबाजी दिखाई है उस पर दुनिया फिदा हो चुकी है। आप मोहम्मद रिजवान और सूर्य कुमार यादव में से किसे सबसे ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।